नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संचित और आपका gvtjob.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम आपके लिए हर रोज नई जॉब रिलेटेड वीडियोस लेकर आते हैं जिसपे हम आपको आई हुई सभी नौकरियों की जानकारी देते हैं। तो आज हम आपके लेकर आए हैं आंगनवाड़ी में निकली हुई भर्ती के बारे में। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस ने हाल ही में ही भर्ती निकली है आंगनवाड़ी वर्कर के लिए। तो जो भी उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। पर वीडियो को शुरू करने के पहले हम आपको बताना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के लिए लाल सब्सक्राइब बटन प्रेस करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। यदि आप बेल आइकन को प्रेस करते हो तो हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आएंगे और आपके सुझाव हमें कमेंट में भेज सकते हो। तो दोस्तों, जैसे आप देख सकते हो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस में हाल ही में ही आंगनवाड़ी वर्कर के पोस्ट के लिए भर्ती निकली है। और इस पोस्ट को यदि आपको अप्लाई करना है तो आपको मिनिमम 8 पास होना ज़रूरी है। 10वीं पास, 12वीं पास उम्मीदवार भी इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो है 18 से 40 साल है। यहाँ पर आपको किसी भी तरह की एप्लीकेशन फ़ी भरना अनिवार्य नहीं है, यानी कि ही एप्लीकेशन फ़ी फ्री है। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो इंटरव्यू पैनल के द्वारा होगी और उसके बाद मेरिट लिस्ट लगेगी जिससे उम्मीदवार का सिलेक्शन होगा। कैंडिडेट को प्रतिमाह पेमेंट मिलेगा 12,000 का पर मंथ, यानी 12,000 का पेमेंट मिलेगा उम्मीदवार को। अप्लाई करने के लिए आप kaimur.bis.nic.in जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या PDF को ओपन करके भी जानकारी बड़े विस्तार में पा सकते हो। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे पोस्ट का नाम क्या है। आंगनवाड़ी वर्कर है, आंगनवाड़ी असिस्टेंट दो पोस्ट है। जॉब लोकेशन है पटना बिहार, यानी यदि आप इस पोस्ट को अप्लाई करते हो और सिलेक्ट हो जाते हो तो आपकी पोस्टिंग पटना बिहार में होगी। लास्ट डेट इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए है 5 जनवरी 2018। तो आप देख सकते हो आपके पास अच्छा खासा टाइम है इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। तो आप पे डिपेंड करता है आप कितना जल्दी इस पोस्ट को अप्लाई करते हो और आपकी जो एप्लीकेशन है निश्चित करके जॉब पाते हो। तो इस तरीके से जॉब हो रही है। अधिक जानकारी यदि आपको पाना है तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे जिसको आप क्लिक कर जॉब की जानकारी पा सकते हो। वो दो लिंक्स आपको अप्लाई करने में और जॉब पाने में मदद करेंगे। और अब हम देखेंगे PDF कैसे लोड करना है। तो जैसे आप इस PDF के आगे क्लिक हेयर पे क्लिक करोगे जो PDF है ओपन हो जाएगा। पूरी जानकारी आपको हिंदी में दी गई है जिसके कारण आपको अप्लाई करने में दिक्कत नहीं होगी और जो जानकारी है प्राप्त करने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो और बहुत अच्छी वैकेंसी है। बहुत दिनों बाद कोई वैकेंसी आई है आंगनवाड़ी वर्कर के लिए और ये जो जानकारी है पूरी हिंदी में दी गई है जिसके कारण आपको अप्लाई करने में दिक्कत नहीं होगी। शैक्षणिक योग्यता जो है वो मैट्रिक अथवा समकक्ष अतिरिक्त विषय को छोड़कर, यानी 10वीं 12वीं होना या 8वीं होगा तो भी चलेगा। आयु सीमा है 18 साल जो जनरल होती है। पेमेंट आपको 12,000 का मिलेगा। रिक्त से संबंध जानकारी समिति बाल विकास परियोजन पदे तथा महिला पर्यवेक्षक से प्राप्त की जा सकती है। तो ये जो पोस्ट है आंगनवाड़ी वर्कर के लिए है तो सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स यानी महिला है इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, और जो मेल कैंडिडेट्स है जो इस पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं वे इस पोस्ट को अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। पटना बिहार में भर्ती हो रही है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। आपको सिर्फ मिनिमम 8 पास होना है और यदि आप 9th या 10वीं पास हो तो भी चलेगा। 18th यानी 18 साल की उम्र आपकी कंप्लीट होनी ज़रूरी है और आप महिला होंगे तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हमने आपको पहले कहा। तो इस तरीके से भर्ती हो रही है। जो भी हमारे उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं जल्द से जल्द आवेदन करें। ऐसी जॉब्स की जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करें। न जाने आपका एक शेयर आपके दोस्त को गवर्नमेंट जॉब दिला दे। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।